Good morning and welcome to my channel OPPN Media. Dear students, in this video we are going to read the fifth chapter, The Happy Prince, from the book of Moment of 9th class. Dear students, before we go ahead with the explanation of this chapter, I would recommend you to take your books so that you can take each and everything clearly. ठीक है, स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी है और उम्मीद करता हूँ कि आप इसको ठीक से समझने की कोशिश करेंगे. लेट्स स्टार्ट. हाई अबव द सिटी, शहर के बहुत ऊपर, ऑन ए टॉल कॉलम, एक लंबे स्तंभ पर, स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस का एक स्टैचू खड़ा हुआ था. ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विद थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड, वह सोने की पत्तियों से पूरा शरीर उसका ढका हुआ था, यानी उस पर इस तरह से था जैसे सोने के कपड़े उसको पहना दिए गए हों. फॉर आइज, उसकी आँखों के लिए, ही हैड टू ब्राइट सैफायर्स, उसके दो चमकदार नीलम, यानी जो एक तरह से रत्न होते हैं, जवाहरात होते हैं, सैफायर नीलम उसकी आँखों के रूप में थे, यानी जहाँ उसकी आँखें थी उसके रूप में नीलम लगे हुए थे. एंड ए लार्ज रेड रूबी ग्लोड ऑन हिज सॉर्ड बेल्ट, और उसकी जो तलवार थी और तलवार को जो पकड़ने वाली हत्थी थी, अर्थात मूठ थी तलवार की, उसमें एक लाल मणि रूबी लगी हुई थी. वन नाइट देयर फ्लू ओवर ए सिटी, ओवर द सिटी ए लिटिल स्वेलो, और एक रात एक छोटा अबाबील पक्षी, स्वेलो, उस शहर के ऊपर से उड़ा. हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट सिक्स वीक्स बिफोर, छः सप्ताह पहले उसके सभी साथी मिस्र यानी इजिप्ट को जा चुके थे. बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, परंतु वह पीछे रह गया था. देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू, और इसलिए फिर बाद में उसने भी इजिप्ट जाने का निश्चय किया. ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू, पूरे दिन भर वह उड़ा. एंड एट नाइट टाइम, और रात के समय, ही अराइव्ड एट द सिटी, वह इस शहर को आया. वेयर सेल आई पुट अप, मैं कहाँ ठहरूँगा, ही सैड, उसने कहा. आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशंस, उसने कहा कि मुझे ऐसा लगता है या मुझे आशा है कि शहर में पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है या शहर ने पूरी तैयारी कर ली है. देन ही सा द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम, और तब उसने उस ऊंचे स्तंभ पर हैप्पी प्रिंस का स्टैचू देखा. आई विल पुट अप देयर, मैं यहाँ पर ठहरूँगा, यहाँ पर रुकूँगा, ही क्राइड, उसने कहा. इट इज़ ए फाइन पोजिशन विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, यह बहुत अधिक मात्रा में हवा के साथ ये पोजीशन बहुत अच्छी है, यानी यहाँ पर मेरा रुकना, मेरे रुकने के लिए यह जगह बहुत अच्छी है. सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फिट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, और इसलिए वह हैप्पी प्रिंस के पैरों में उतर गया, अर्थात वहाँ पर आकर वह बैठ गया. आई हैव ए गोल्डन बेडरूम, मेरे पास अब गोल्डन बेडरूम होगा, ऐसा अबाबील ने कहा. गोल्डन बेडरूम इसलिए कहा क्योंकि जो प्रिंस के कपड़े थे या प्रिंस जो ढका हुआ था वो गोल्डन लीव से ढका हुआ था, तो उसको महसूस होता था कि अब जहाँ मैं सोऊंगा वो गोल्डन बेड होगा मेरे लिए. ही सैड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ, उसने हल्के से धीरे से अपने आप से कहा. एज ही लुक्ड राउंड, जब उसने चारों तरफ देखा. एंड ही प्रीपेयर्ड टू गो टू स्लीप, और अब उसने सोने की तैयारी की. बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग्स, ए लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, परंतु जैसे ही उसने अपने पंखों में अपने सिर को रखने की कोशिश की, यानी जैसे पक्षी सोते हैं अपने पंखों के अंदर अपना सिर करके, जैसे ही उसने अपने पंखों में अपना सिर रखने की कोशिश की, तभी एक पानी की बूंद उसके ऊपर गिरी. वाट ए क्यूरियस थिंग, ये क्या अजीब चीज़ है, ही क्राइड, वह चिल्लाया. देर इज़ नॉट ए सिंगल क्लाउड इन द स्काई, आकाश में एक भी बादल नहीं है. द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर, तारे बिल्कुल साफ चमक रहे हैं. एंड ब्राइट, में साफ और चमकदार हैं. एंड येट इट इज़ रेनिंग, फिर भी बारिश हो रही है. देन अनदर ड्रॉप फेल, और फिर दूसरी बूंद गिरी. वाट इज़ द यूज़ ऑफ द स्टैचू इफ़ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, ही सैड, उसने कहा. ऐसे स्टैचू का क्या फ़ायदा है यदि वह बारिश को भी नहीं बचा सकता, यानी बारिश से भी मुझे नहीं बचा सकता या बारिश को दूर नहीं कर सकता, तो ऐसे स्टैचू का क्या फ़ायदा है. आई मस्ट लुक फॉर ए गुड चिमनी पॉट, मुझे किसी चिमनी पॉट पर के लिए देखना चाहिए, अर्थात मुझे कहीं चिमनी पॉट पर जाना चाहिए और वहाँ सोना चाहिए जहाँ पर मैं बारिश से बच सकूँ.
एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे, और उसने उड़ने का निश्चय कर लिया। बट बिफोर ही हैड ओपन्ड हिज विंग्स, परंतु उससे पहले कि वह अपने पंख खोलता, ए थर्ड ड्रॉप फेल, और तीसरी बूंद उस पर गिरी। एंड ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा, एंड सॉ, और देखा, आ व्हाट डिड ही सी, वह उसने क्या देखा। द अब देखेंगे क्या चीज़ थी, क्या अजीब चीज़ थी। द आइज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स, हैप्पी प्रिंस की आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चेक्स, और उसके सोने के गालों से वो आंखों से बूंदें टपक रही थीं। हिज फेस वॉज सो ब्यूटीफुल इन द मून लाइट, उसका चेहरा चंद्रमा की रोशनी में इतना सुंदर था कि द लिटिल स्वेलो वॉज फिल्ड विद द पिटी, कि जो लिटिल स्वेलो था, छोटा अबाबील, वह भी दया से भर गया। हु आर यू ही सैड, अब जो अबाबील था उसने पूछ लिया पक्षी ने कि आप कौन हो। I am the happy prince, मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। Why are you weeping then, तब तुम क्यों रो रहे हो, asked the swallow, swallow ने पूछा, अबाबील ने पूछा कि भाई तुम क्यों रो रहे हो। You have quite drenched me, तुमने तो मुझे बिल्कुल भिगो ही दिया है। When I was alive, अब ये हैप्पी प्रिंस बताना शुरू करते हैं कि when I was alive and had a human heart, जब मैं जीवित था और मेरे अंदर एक मनुष्य का हृदय था। Answered the statue, स्टैचू ने जवाब दिया, तो क्या था भाई, I did not know what the tears were, मैं नहीं जानता था कि आंसू क्या चीज़ होती हैं। For I lived in the palace, क्योंकि मैं तो महल में रहा था। Where sorrow is not allowed to enter, जहाँ पर दुख को अंदर आना के लिए अनुमति नहीं थी, क्योंकि राजकुमार था तो हैप्पी था, चारों तरफ से खुशियाँ ही खुशियाँ थीं उसके महल में। My courtiers called me the happy prince, मेरे दरबारी मुझे हैप्पी प्रिंस के नाम से जानते थे, कहते थे। एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज, और वास्तव में मैं खुश था। सो आई लिव्ड, और ऐसे मैं जिया। एंड सो आई डाइड, और ऐसे ही मैं मरा, यानी खुशी खुशी सारी तरह सब चीज़ ठीक है, ठीक थी उस समय। एंड नाउ दैट आई एम डेड, और अब जबकि मैं मर गया हूँ, दे हैड सेट मी अप हेयर सो हाई, उन्होंने मुझे अब इतना ऊंचा रख दिया है, दैट आई कैन सी द अगलीनेस एंड ऑल द माइजरी ऑफ माई सिटी, कि मैं अपने शहर की सारे दुखों को और सारे भद्देपन को देख सकता हूँ। एंड दो माई हार्ट इज़ मेड ऑफ द लेड, और यद्यपि मेरा हृदय लेड का बना हुआ है, लेड एक धातु होती है, कठोर, सबसे कठोर धातु होती है, मेरा हृदय कठोर धातु लेड का बना हुआ है, येट आई कैन नॉट चूज बट वीप, परंतु मैं रोने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता हूँ। वॉट, क्या, इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड, क्या वह सॉलिड गोल्ड नहीं है, सेड द स्वेलो टू हिमसेल्फ, अब स्वेलो ने अपने आप से पूछा, क्या वह बिल्कुल अच्छा प्योर सोना नहीं है। ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स, वह इतना विनम्र था कि वह कोई पर्सनल रिमार्क, कोई निजी तर्क नहीं दे सका। फार अवे, कंटिन्यूड द स्टैचू इन ए लो म्यूजिकल वॉइस, अभी और आगे जो हैप्पी प्रिंस था उसने अपनी म्यूजिकल आवाज़ में, स्टैचू ने अपनी म्यूजिकल आवाज़ में अपनी बात कहना जारी रखा। क्या कहा था उसने, फार अवे इन ए लिटिल स्ट्रीट देर इज ए पुअर हाउस, दूर दूर एक बहुत दूर गली में एक गरीब परिवार है, गरीब घर है। वन ऑफ द विंडोज़ इज़ ओपन, उसकी एक खिड़की खुली हुई है। एंड दो और यद्यपि इट सॉरी एंड थ्रो इट और इससे होकर आई कैन सी ए वोमैन सीटेड एट अ टेबल, मैं एक औरत को टेबल के पास बैठे हुए देख सकता हूँ। हर फेस इज़ थिन, उसका चेहरा पतला है। एंड वॉर्न, वॉर्न का मतलब बिल्कुल घिसा पिटाया, थका हुआ है। एंड शी हैज़ कोर्स रेड हैंड्स, वह भद्दे और लाल रंग रख लाल हाथ हैं उसके, ऑल प्रिक्ड बाय द निडल, और उन हाथों में पूरी तरह से निडल चुभी हुई हैं। फॉर, क्योंकि शी इज़ द स्टीम सीमस्ट्रेस, सीमस्ट्रेस का मतलब क्योंकि वह दर्जिन है, कपड़े सिलने वाली औरत है। शी इज़ एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन ए सैटिन गाउन फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर, क्योंकि वह सम्मानित रानी के लिए सबसे प्यारा सैटिन का गाउन पर फ्लावर की एम्ब्रॉयडरी कर रही है, फ्लावर्स काट रही है।
टू वियर टू द नेक्स्ट कोर्ट बाउल, जिसको वह आने वाले जो कोर्ट में नृत्य होगा उस नृत्य के फंक्शन पर वह पहनेगी। इन ए बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, बिस्तर में, रूम के एक कोने में, हर लिटिल बॉय इज़ लाइंग इल, उसका छोटा लड़का बीमार लेटा हुआ है। ही हैज़ ए फीवर, उसे बुखार है, एंड इज़ आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस, और वह अपनी माँ को ऑरेंज देने के लिए कह रहा है। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम, उसकी माता के पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है, बट रिवर वाटर, परंतु केवल नदी का जल है। सो ही इज़ क्राइंग, इसलिए वह चिल्ला रहा है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, अबाबील अबाबील, ओ छोटे अबाबील, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई सॉर्ड हिल्ट, क्या आप मेरी तलवार की मूंछ में से लाल मणि को निकाल कर उसके पास ले जा सकते हैं। माई फिट आर फास्टेंड टू द पेडेस्टल एंड आई कैन नॉट मूव, राजकुमार बोलता है कि मेरे पैर तो कुर्सी से चबूतरे से बंधे हुए हैं, मैं तो हिल नहीं सकता, लेकिन क्या तुम मेरी तलवार की मूंछ से लाल मणि को निकाल कर उसकी लेडी के पास ले जा सकते हो। नेक्स्ट, आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, सेड द स्वेलो, अब अबाबिल ने क्या जवाब दिया भाई, कि मेरा तो इजिप्ट में इंतजार हो रहा है। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नील, और मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, वो नील के आसपास कर ऊपर नीचे उड़ रहे हैं। एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, और वे बहुत बड़े बड़े जो लोटस के फ्लावर्स हैं नील नदी में, उनसे बातें कर रहे हैं। सून दे विल गो टू स्लीप, और जल्दी ही वे सोने के लिए चले जाएंगे। तो वो कहना चाहता है कि भाई मुझे भी अब नील नदी के पास इजिप्ट में जाना है, वहाँ पर मेरे फ्रेंड्स हैं। आगे प्रिंस उससे कुछ रिक्वेस्ट करता है। द प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर, राजकुमार उस अबाबील से एक रात उसके पास रुकने के लिए और उसका संदेशवाहक बनने के लिए कहता है। द बॉय इज सो थर्स्टी, अब जो प्रिंस है वो मनाने की कोशिश करता है कि वो जो लेडी है सी मिस्ट्रेस दर्जिन, उसका लड़का बहुत ज़्यादा भूखा है, प्यासा है। एंड द मदर सो सैड, और मदर इतनी ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा दुखी है। ही सैड, उसने कहा। अब आगे अबाबील कहता है, आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज, आंसर्ड द स्वेलो, अबाबील कहता है कि भाई मुझे नहीं लग, मैं नहीं सोचता कि मुझे लड़के पसंद हैं। आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, मैं तो बस इजिप्ट जाना चाहता हूँ, मैं तो बस मिस्र जाना चाहता हूँ। ये बात अबाबील ने कह दी कि भाई मैं सहायता नहीं कर सकता, मैं लड़कों को कुछ नहीं जानता, मैं तो इजिप्ट जाना चाहता हूँ। आगे, बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड, परंतु जो हैप्पी प्रिंस था वो बहुत दुखी दिखा, इतना दुखी दिखाई दिया, दैट का लिटिल स्वेलो वाज सॉरी, कि जो छोटा लिटिल स्वेलो था अबाबील था वो भी दुखी हो गया। इट वाज वेरी कोल्ड हेयर, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है, ही सैड, उसने कहा, यानी अबाबील ने कहा भाई यहाँ पर बहुत ठंड है। बट ही एग्रीड टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट, परंतु वह उसके साथ एक रात रुकने के लिए तैयार हो गया। एंड बी हिज मैसेंजर, और उसका संदेशवाहक बनने के लिए भी तैयार हो गया। आगे, थैंक यू लिटिल स्वेलो, सैड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा कि छोटे अबाबील तुम्हारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द स्वेलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस सॉर्ड, अब उस छोटे अबाबील ने राजकुमार की तलवार में से वह लाल मणि निकाली। एंड फ्लू अवे विद इट इन हिज बीक ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन, और उसे लेकर, लाल मणि को लेकर वह कस्बे के छतों के ऊपर से तेजी से उड़ा। ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर, वह चर्च के ऊंची टावर से भी गुजरा, वेयर द वाइट मार्बल्स एंजल्स वॉज स्कल्पचर्ड, जहाँ पर सफ़ेद मार्बल के फरिश्ते बने हुए थे। स्कल्पचर्ड जैसे पत्थर पर बनी हुई मूर्तियाँ होती हैं, इस तरह से चर्च पर वो बने हुए थे। ही पास्ड बाय द पैलेस एंड हियर्ड द साउंड ऑफ द डांसिंग, वह महल के पास से भी गुजरा जहाँ पर उसने डांस करने की आवाज़ें भी सुनी। ए ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बालकनी विद हर लवर, और एक सुंदर लड़की वहाँ पर अपनी बालकनी में अपने लवर के साथ खड़ी हुई थी या वहाँ पर आई, और वो आपस में वार्तालाप उनकी चल रही थी। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल, सी सैड, उसने कहा कि मुझे उम्मीद है कि मेरी जो नई ड्रेस है वो स्टेट बॉल का जो आने वाला जो हमारे दरबार में नृत्य होगा उस तक मेरी
ड्रेस तैयार हो जाएगी। आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट। मैंने अपने ड्रेस पर, इस पर यानी अपने ड्रेस पर फ्लावर्स काढ़ने का ऑर्डर दिया हुआ है। बट द सीमेस्ट्रेसेस आर सो लेजी। परंतु ये जो दर्जनें होती हैं ये बहुत ज़्यादा आलसी होती हैं, ऐसा राजकुमारी ने कहा। ही पास्ड ओवर द रिवर। वह नदी के ऊपर से गुजरा। एंड सा द लैंटर्न्स हैंगिंग ऑन द मास्ट ऑफ द शिप्स। और उसने शिप्स जहाज के मस्तूलों पर, मास्ट पर, मास्ट और मस्तूल का मतलब होता है एक बहुत बड़े बड़े पोल जो जहाज पर होते हैं, और उन पोलों पर या उन मास्ट पर लटके हुए लैंटर्न्स को देखा। एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमेन्स हाउस। और अंत में वह उस गरीब औरत के घर पर आया। एंड लुकड इन, और अंदर उसने देखा। द बॉय वॉज टॉसिंग फीवरसली ऑन हिज बेड। जो लड़का था वो अपने बिस्तर पर बुखार से इधर उधर लुढ़क रहा था। टॉस माने वैसे तो उछलना होता है, लेकिन यहाँ पर करवटें बदल रहा था। एंड द मदर हैड फॉलन एस्लीप। और माँ अब तक सो चुकी थी। शी वॉज सो टायर्ड। वह इतनी अधिक थक गई थी। इन ही होप्ड एंड लेट द ग्रेट रूबी। And laid the great ruby on the table beside the woman's thimble. अब वह अंदर को फुदक कर गया। Hopped माने कुदक कर गया, जैसे पक्षी थोड़ा सा फुदक कर चलते हैं। तो वह फुदक कर अंदर गया और उसने वह लाल मणि उस औरत के पास, एक नौक के पास टेबल पर उसने रख दी। Then he flew gently round the bed. और वह तब उस बिस्तर के ओर से होता हुआ उड़ा। फैनिंग द बॉयज़ फॉरहेड विद हिज विंग्स। अपने पंखों से उस लड़के के माथे पर पंखे की तरह हवा करते हुए वहाँ से उड़ा। हाउ कूल आई फील, सैड द बॉय। और ऐसा जब पक्षी ने किया तो लड़के ने क्या कहा कि मैं कितना ठंडा महसूस कर रहा हूँ। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर। अब मैं अच्छा हो जाऊँगा, ठीक हो जाऊँगा। एंड ही सैंक इंटू ए डिलीशियस स्लम्बर। और इस बार वह एक गहरी नींद में, एक प्यारी सी नींद में डूब गया लड़का। देन द स्वैलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस। और तब वह अबाबील पक्षी हैप्पी प्रिंस के पास वापस गया। एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन। और उसने वो सारी बात बताई जो उसने वहाँ पर किया। इट इज़ क्यूरियस, यह विचित्र है, जिज्ञासापूर्ण चीज़ है। ही रिमार्क्ड, उसने कहा। बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ, परंतु मैं अब बिल्कुल गर्म महसूस कर रहा हूँ। ऑल दो इट इज़ सो कोल्ड, यद्यपि बहुत ज़्यादा ठंडी है। उस अबाबील ने प्रिंस से कहा कि भाई इस समय बहुत ज़्यादा ठंडी है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस, गर्मी का मतलब अंदर से बड़ा सुकून और गर्म महसूस कर रहा हूँ। दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन ए गुड एक्शन, सेड द प्रिंस। प्रिंस ने कहा कि ये ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने एक बहुत ही नेक काम किया है। एंड द लिटिल स्वैलो बिगेन टू थिंक। और अब लिटिल स्वैलो ने सोचना शुरू किया। एंड देन फेल एस्लीप, और उसके बाद फिर सो गया। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी। और सोचना अबाबील को हमेशा नींद ला देता था, मतलब जैसे वो सोचता था तो उसको नींद आ जाती थी। वैन डे ब्रोक, और जैसे ही दिन निकला, ही फ्लू डाउन टू द रिवर। वह नदी के किनारे पर नीचे उड़कर चला गया। एंड हैड ए बाथ, और वहाँ पर उसने एक अच्छा बाथ यानी अच्छा स्नान किया। टू नाइट आई गो टू इजिप्ट। आज रात को मैं इजिप्ट जाऊँगा, सैड द स्वैलो। स्वैलो अबाबील ने कहा कि भाई आज रात तो मैं ज़रूर जाऊँगा। एंड ही वॉज इन हाई स्पिरिट्स, और वह बहुत अधिक उत्तेजित था। इन हाई स्पिरिट्स का मतलब बहुत ज़्यादा उत्तेजनाओं में, भावनाओं में होना। एट द प्रॉस्पेक्ट्स, प्रॉस्पेक्ट का मतलब आने वाली जो उम्मीद थी, एक उम्मीद उसके अंदर थी कि मैं इजिप्ट जाऊँगा, इस उम्मीद से वह बहुत ज़्यादा एक्साइटेड या उत्तेजित था। ठीक है। ही विजिटेड ऑल द मोनूमेंट्स। वह सभी स्मारकों के पर गया। एंड सेट ए लॉन्ग टाइम ऑन टॉप ऑफ द चर्च स्टीपल्स, और चर्च की ऊपर वाली स्टीपल पर वह लंबे समय तक बैठा। अब अबील जो था, दिन के समय में वह कभी इधर मोनूमेंट पर गया, कभी उधर मोनूमेंट पर गया, और वह चर्च के ऊपर भी स्टीपल पर, जो ढलान होता है ऊपर बना हुआ, उस पर वह बैठा।
When the moon rose, he flew back to the happy prince. और जब शाम को चंद्रमा निकला तो वह वापस हैप्पी प्रिंस के पास उड़कर गया. Have you any commission for Egypt? क्या आपके लिए क्या Egypt के लिए मिस्र के लिए क्या कोई आयोग है? He cried, उसने कहा, I am just starting, मैं बिल्कुल अब जाने वाला हूँ, अर्थात मैं जा रहा हूँ. यदि वहाँ के लिए कोई काम है, कोई वहाँ का आयोग है तो मुझे बता दीजिए. स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, सैड द प्रिंस. अब राजकुमार ने कहा, अबाबील अबाबील, ओ छोटे अबाबील, विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, क्या आप एक रात और मेरे साथ रुकोगे? आई एम वेटेड फॉर द एजिप्ट, आंसर्ड द स्वेलो. और स्वेलो ने क्या जवाब दिया कि भाई मिस्र में मेरा इंतजार हो रहा है. स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, सैड द प्रिंस. अब जो प्रिंस था उसने फिर से कहा कि अबाबील ओ छोटे अबाबील, फार अवे अक्रॉस द सिटी, सिटी के उस पार में बहुत दूर, आई सी ए यंग मैन इन द गैरेट, एक छोटी सी अटारी में, एक छोटा सा गैरेट का मतलब होता है छत के ऊपर बना हुआ एक कमरा, छोटा कमरा, एक बहुत दूर अटारी में एक यंग मैन को मैं, एक जवान व्यक्ति को मैं देखता हूँ. ही इज़ लीनिंग ओवर ए डेस्क कवर्ड विद द पेपर्स, वह पेपर से ढका हुआ, अखबार या पेपर से ढके हुए एक डेस्क पर झुका हुआ है. एंड इन द ग्लास By his side, there is a bunch of withered violets. और उसके पास एक ग्लास में सूखे हुए बन फसा के फ्लावर्स रखे हुए हैं. His hair is brown and crisp. उसके जो बाल हैं वो भूरे हो गए हैं, पड़ गए हैं. And his lips are red as the pomegranate. और उसके lips, होंठ अनार की तरह लाल हैं. And he has large and dreamy eyes. और वह बड़ी और सपने देखने जैसी आँखें हैं, कल्पना भरी हुई आँखें हैं. He is trying to finish a play for the director of the theater. वह थिएटर के डायरेक्टर के लिए एक नाटक पूरा करने का प्रयास कर रहा है. But he is too cold to write anymore. कि वह इतना ठंडा हो चुका है कि अब और ज़्यादा नहीं लिख सकता है. There is no fire in the grate. अब उस grate में कोई आग भी नहीं है. एंड हंगर हैज़ मेड हिम फैंट, और भूख ने उस व्यक्ति को बिल्कुल मूर्छित कर दिया है, बेहोश कर दिया है. आई वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर, सैड द स्वेलो. अब अबाबील ने प्रिंस की ये बातें सुनकर के, उस आदमी का इस तरह का हाल सुनकर अबाबील ने कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ एक रात और रुक जाऊँगा. हु रियली हैड ए गुड हार्ट, जो वास्तव में एक अच्छा हृदय रखता था, यानी वो अबाबील जो कि बहुत अच्छा हृदय रखता था, उसने ये कहा कि चलो ठीक है, इस रात मैं एक और आपके साथ रुक जाता हूँ. ही आस्क्ड इफ ही शुड टेक अनोदर रूबी टू द यंग प्ले राइट. क्या उसे, उसने पूछा क्या उसे आज रात प्ले राइटर के पास, प्ले राइट का मतलब जो लेखक है, जो नाटक लिख रहा है, उसके पास तुम्हारी एक और रूबी, एक और लाल मणि को लेकर जाना है. अब राजकुमार कहता है, अलास मुझे दुख है, आई हैव नो रूबी नाउ, अब मेरे पास और कोई लाल मणि नहीं है. सैड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा, माई आइज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, मेरी आँखें ही हैं जो अब मेरे पास कुछ बचा है, अगर कुछ बचा है तो वो केवल मेरी आँखें ही हैं. दे आर मेड ऑफ रेयर सैफायर्स, ये दुर्लभ सैफायर्स यानी नीलमणि की बनी हुई हैं. विच वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 years ago, जो कि सालों हजारों साल पहले इंडिया से लाई गई थी. ही ऑर्डर्ड द स्वेलो टू प्लक आउट वन ऑफ देम, अब राजकुमार ने उस स्वेलो को उन नीलमणि में से एक नीलमणि निकालने के लिए कहा. एंड टेक इट टू द प्ले राइट, और उसे नीलमणि को प्ले राइट यानी लेखक के पास ले जाने के लिए कहा. ही विल सेल इट टू द ज्वेलर, वह इसे ज्वेलर के पास बेच देगा. एंड बाई फायरवुड, और आग जलाने के लिए लकड़ियाँ अर्थात ईंधन खरीदेगा. एंड फिनिश इज प्ले, और अपना नाटक पूरा कर लेगा. ही सैड, उसने कहा. डियर प्रिंस, प्रिय राजकुमार, सैड द स्वेलो, स्वेलो ने कहा. स्वेलो ने कहा, उस अबाबील ने कहा कि प्रिय राजकुमार, आई कांट डू दैट, मैं ऐसा नहीं कर सकता. एंड ही बिगेन टू वीप, और अब वह रोने लगा. राजकुमार ने जब अपनी आँख निकालने के लिए कहा तो
तो जो अबाबिल था वह दुखी होकर रोने लगा। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस डू एज आई कमांड यू। राजकुमार ने कहा कि छोटे अबाबिल बिल्कुल ऐसा करो जैसा मैं तुमसे कहता हूँ। सो द स्वैलो प्लग्ड आउट द प्रिंसेस आइज, और इसलिए स्वैलो ने उस अबाबिल ने राजकुमार की आँख निकाल ली। एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन्स गैरेट, और उस छोटे आदमी उस यंग मैन के गैरेट के लिए चला गया। एंड इट वॉज ईजी एनफ टू गेट इन, अंदर जाना बहुत आसान था। एज देर वॉज ए होल इन द रूफ, क्योंकि छत में एक गड्ढा था। थ्रो दिस ही डार्टेड, इसमें से होता हुआ वह तेजी से गया। एंड केम इन टू द रूम, और कमरे में पहुंचा। द यंग मैन हैड हिज हियर हैड बरिड इन हिज हैंड, जो यंग मैन था उसने अपने हाथों में अपने सिर को ले रखा था। अर्थात जैसे आप समझते हैं कि हाथों में सिर को रखना, यानी जैसे बहुत परेशान होता है आदमी तो अपने सिर को हाथ ऊपर लगा के बैठ जाता है। सो ही डिड नॉट हियर द फ्लूटर ऑफ द बर्ड्स विंग्स, और इसलिए उस यंग मैन ने अर्थात जो लेखक था उसने पक्षी के पंखों की फड़फड़ाहट नहीं सुनी। एंड व्हेन ही लुक्ड अप ही फाउंड द ब्यूटीफुल सैफायर लाइंग ऑन द विदर्ड वायलेट्स, और जब उसने ऊपर देखा तो उसने सूखे हुए फूलों में पड़ी हुई सैफायर यानी नीलम को, सुंदर नीलम को देखा। अब आगे क्या एटीट्यूड था उसका देखते हैं। I am beginning to be appreciated, अब लोगों ने मुझे अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया है। ही क्राइड, उसने कहा, जो प्ले राइट था उसने सोचा कि भाई लोग मेरी प्रशंसा करने लगे हैं, मैं अच्छे नाटक लिखता हूँ। दिस इज फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर, यह किसी अच्छे प्रशंसक की तरफ से मेरे लिए सैफायर नीलम है। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, अब मैं अपना नाटक पूरा कर सकता हूँ। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, वह बहुत अधिक खुशी दिखाई दिया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द स्वैलो फ्लू डाउन टू द हार्बर, और अगले दिन फिर से वह स्वैलो हार्बर की तरफ उड़कर गया। हार्बर का मतलब जैसे वो राजकुमार के ऊपर वाले स्टैचू पर बैठता था बहुत ऊंचाई पर, वहाँ से उड़कर वह नीचे की ओर नदी के किनारे पर या पत्तन पर, हार्बर जो कहते हैं बंदरगाह, उस पर जाता था। ही सेट ऑन द मास्ट ऑफ ए लार्ज वैसल, और वह बहुत बड़े वैसल का मतलब यहाँ पर शिप से है, बहुत बड़े जहाज के ऊपर मास्ट पर बैठा। एंड वॉच्ड द सेलर्स वर्किंग, और वहाँ पर नाविकों को काम करते हुए देखा। आई एम गोइंग टू इजिप्ट, क्राइड द स्वैलो, स्वैलो ने अबाबिल ने कहा कि अब मैं इजिप्ट मिस्र को जा रहा हूँ। बट नोबडी माइंडेड, परंतु किसी ने भी व्यक्ति ने ध्यान नहीं दिया। एंड व्हेन द मून रोज, और जब चंद्रमा निकला शाम को, ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, वह हैप्पी प्रिंस के पास वापस गया और उसने क्या कहा उससे। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, ही क्राइड, उसने चिल्लाकर कहा कि भाई मैं तुम्हें गुड बाय बोलने के लिए आया हूँ। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सैड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा, स्वैलो ओ छोटे अबाबिल, विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, क्या आप एक रात और मेरे साथ नहीं रुक सकते हो। इट इज़ विंटर, ये स्वैलो कह रहा है, इट इज़ विंटर, ये जाड़े का समय है। आंसर्ड द स्वैलो, स्वैलो ने जवाब दिया, एंड द स्नो विल सून बी हेयर, और यहाँ पर जल्दी ही बर्फ होगी। इन इजिप्ट, और मिस्र में तो, द सन इज वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज, धूप हरे पाम के पेड़ों की पत्तियों पर धूप होती है, गर्म होती है। एंड द क्रोकोडाइल्स लाई इन द मड एंड लुक लेजीली अबाउट देम, और जो मगरमच्छ होते हैं वो कीचड़ में लेजी तरीके से पड़े हुए होते हैं और उनकी तरफ देख रहे होते हैं। तो वो बोलता है कि मैं तो अच्छा गर्म इलाके में जाना चाहता हूँ, मिस्र में, जहाँ पर आराम से धूप में पाम की पेड़ों की पत्तियों पर मैं बैठूँगा। इन द स्क्वेयर बिलो, स्क्वेयर का मतलब होता है वैसे वर्गाकार, लेकिन जो चौक होता है जिसको हम चौक बोल देते हैं, अर्थात खाली मैदान, वो। इन द स्क्वेयर बिलो, नीचे चौक में, सैड द हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस ने कहा, देयर स्टैंड्स ए लिटिल मैच गर्ल, एक छोटी लड़की, माचिस बेचने वाली एक छोटी लड़की है। शी हैज़ लेफ्ट हर मैच फाइल इन द गटर, उसकी जो मैचस हैं, मैच बॉक्स हैं, माचिसेस हैं, वो नाले में गिर गए हैं। एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, वो सभी खराब हो चुकी हैं। हर फादर विल बीट हर, उसका पिता उसको पीटेगा, इफ शी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी,
यदि वह कुछ घर पर धन नहीं लेकर जाती है तो उसका पिता उसको पीटेगा। एंड सी इज़ क्राइंग, और अब वह रो रही है। शी हैज़ नो शूज़ और स्टॉकिंग्स, उसके पास कोई जूते या मोजे भी नहीं हैं। एंड हर लिटिल हेड इज़ बेयर, और उसका छोटा सिर नंगा है। प्लक आउट माई अदर आईज, मेरी दूसरी आँख भी निकाल लीजिए। एंड गिव इट टू हर, और उसे दे दीजिए। एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, और उसका पिता उसको नहीं पीटेंगे। ठीक है, तो जो प्रिंस है वो बोलता है कि जो छोटी लड़की है माचिस बेचने वाली है, उसकी माचिस गिर गई हैं, उसका पिता उसको पीटेगा यदि वह कोई पैसे घर पर लेकर नहीं जाती है। तो इसके लिए मेरी आँख जो दूसरी बची है उसको निकाल लीजिए और उसे उस लड़की को दे दीजिए, ताकि वह उसे अपने पिता के पास ले जाए और उसका पिता खुश हो जाएगा। I will stay with you one night longer, said the swallow. अबाबिल ने कहा कि हाँ, मैं आज रात और तुम्हारे साथ रुकूंगा। But I cannot pluck out your eye, परंतु मैं तुम्हारी आँख नहीं निकाल सकता हूँ। You should be quite blind then, तब तुम बिल्कुल अंधे हो जाओगे। Swallow, swallow, little अबाबिल, said the prince. अब राजकुमार ने कहा कि ओ छोटे अबाबिल, do as I command you, जैसे मैं तुम्हें निर्देश देता हूँ ऐसा उसको करो। सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंसेस अनदर आई, और इस प्रकार उसने अबाबिल ने राजकुमार की दूसरी आँख भी निकाल ली। एंड डार्टेड, डार्टेड का मतलब तेजी से गया। डाउन विद इट, इसे लेकर वह तेजी से गया। ही सूप्ड पास्ट द मैच गर्ल, वह जो माचिस बेचने वाली लड़की थी उसके पास झपट कर गया। एंड स्लिप्ड द ज्वेल इन टू द पाम ऑफ हर हैंड, उसके हाथ की हथेली में वह जवाहरात उसको रख दी। What a lovely bit of glass, cried the little girl. वह छोटी लड़की चिल्लाई कि कितना अच्छा कांच का टुकड़ा है। And she ran home laughing, और वह हंसती हुई अपने घर पर पहुंची। Then the swallow came back to the prince, और तब वह अबाबिल राजकुमार के पास वापस आया। You are blind now, he said, उसने कहा कि अब तुम बिल्कुल अंधे हो गए हो। So I will stay with you always, इसलिए मैं आपके पास हमेशा हमेशा रुकूंगा। क्योंकि अबाबिल ने देखा कि कितना दयावान राजकुमार है कि उसने अपनी आँखें तक भी लोगों को दे दी, इसलिए उसको भी उस पर बहुत ज़्यादा दया आई और उसके अंदर भी वह मानवता का गुण भर आया। और इसलिए जो अबाबिल है वो कहता है कि मैं अब तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा रुकूंगा, अब मैं मिस्र या इजिप्ट नहीं जाऊँगा। तो राजकुमार कहता है नो लिटिल स्वेलो, छोटे अबाबिल नहीं, सैड द पुअर प्रिंस, बेचारे राजकुमार ने कहा। यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, तुम्हें अब इजिप्ट चला जाना चाहिए। फिर अबाबिल क्या कहते हैं, नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रुकूंगा, सैड द स्वेलो, अबाबिल ने कहा। एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंसेस फीट, और वह राजकुमार के पैरों में ही सो गया। ऑल द नेक्स्ट डे, और सभी अगले दिन, ही सेट ऑन द प्रिंसेस शोल्डर, वह राजकुमार के कंधों पर जाकर बैठ जाता। एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन द स्ट्रेंज लैंड्स, और जो भी चीज़ें वो उस अजीब से लैंड में, उस अजीब सी जगह पर जो भी चीज़ें वो देखता था, वो सारी चीज़ें कहानी के रूप में उसको सुनाता था। डियर लिटिल स्वेलो, सैड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा, ओ प्रिय छोटे अबाबिल, यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग्स, मुझे उन अद्भुत चीज़ों के बारे में बताओ। बट मोर मार्वलस देन एनीथिंग इज़ द सफरिंग ऑफ मैन एंड वोमैन, परंतु यहाँ सबसे ज़्यादा जो अद्भुत चीज़ें हैं वो स्त्री और पुरुषों की कष्ट हैं। जो मनुष्य कष्ट झेलता है वो सबसे ज़्यादा अद्भुत चीज़ें हैं। देर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी, जितना कि आपत्तियाँ हैं। मिजरी का मतलब है परेशानियाँ, जितनी परेशानियाँ हैं इतना बड़ा कोई रहस्य नहीं है। फ्लाई ओवर माई सिटी, मेरे शहर के ऊपर से उड़ो लिटिल स्वेलो, छोटे अबाबिल, एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर, और जो कुछ भी आप वहाँ पर देखते हो वो सारी चीज़ें मुझे बताओ। सो द लिटिल स्वेलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी, और इसलिए वह छोटा अबाबिल उस शहर के ऊपर से उड़ा। एंड सा द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेज, और उन सुंदर घरों में उन्हें धनी लोगों को शादियां करते हुए देखा। वाइल द बेगर्स वर सिटिंग एट द गेट्स, जबकि जो भिखारी थे वो दरवाजों पर बैठे हुए थे। ही फ्लू इनटू डार्क लेन्स, वह अंधेरी गलियों में उड़ा।
and saw the white faces of a starving child looking out listlessly at the black streets. और उसने अंधेरी गलियों में बेचैन बैठे हुए भूखे बच्चों के सफ़ेद चेहरे देखे, पीले चेहरे देखे, यानी मुरझाए हुए चेहरे देखे. अंडर द आर्क वे ऑफ द ब्रिज टू लिटिल बॉयज वर लाइंग इन ईच अदर्स आर्म टू ट्राई एंड स्लीप themselves warm. उसने ब्रिज के नीचे उन ब्रिज के पुल के नीचे दो छोटे लड़कों को आपस में बाजू डाले हुए लोट सोने का प्रयास करते हुए वहाँ पर देखे. हाउ हंग्री आर वी, हाउ हंग्री वी आर, हम कितने भूखे हैं, दे सैड, उन्होंने कहा. यू मस्ट नॉट लाई हेयर, shouted द वॉचमैन. तभी वहाँ पर एक वॉचमैन आया और जो वॉचमैन था, वॉचमैन मतलब वहाँ पर देख रेख करने वाला, चौकीदार कह सकते हैं, वहाँ पर आया और उसने कहा कि तुम यहाँ पर नहीं लेट सकते हो, अर्थात तुम्हें यहाँ नहीं लेटना है. एंड दे वांडर्ड आउट इनटू द रेन, और वो बेचारे दोनों बच्चे बाहर बारिश में घूमते हुए चले गए. देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस, और तब वह अबाबील वापस गया और राजकुमार को वो सारी बात बताएं व्हाट ही हैड सीन, जो उसने देखी थी. आई एम कवर्ड विद फाइन गोल्ड, सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा कि मैं सोने की पत्तियों से ढका हुआ हूँ. यू मस्ट टेक इट ऑफ, तुम्हें ये सोने की पत्ती उतार लेनी चाहिए. लीफ बाय लीफ, एक एक पत्ती करके. एंड गिव इट टू द पुअर, और तुम्हें ये उन गरीब लोगों को एक एक करके देनी है. द लिविंग ऑलवेज थिंक, जीवित लोग यानी सजीव लोग हमेशा सोचते हैं दैट कि गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, कि सोना उन्हें खुशी बना सकता है. लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वेलो पिक्ड ऑफ, एक एक करके पत्ती बाई पत्ती उस छोटे अबाबील ने सारा सोना उतार दिया. टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे, जब तक कि वह प्रिंस, वह राजकुमार का स्टैचू भद्दा और भूरा न दिखने लगा, यानी पत्तियाँ उसकी सारी उतार दी और वह बिल्कुल नंगा सफ़ेद और भूरा जो मेटल का बना हुआ था वो दिख रहा था. लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड, फाइन गोल्ड की पत्ती 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 करके ही ब्रॉट टू द पुअर, ही ब्रॉट टू द पुअर, वह गरीब लोगों के पास ले गया. एंड द चिल्ड्रंस फेसेस ग्रू रोजियर, और अब जो गरीब बच्चों के चेहरे थे वो सफ़ेद से गुलाबी होते जा रहे थे, का मतलब लोग उनसे खाने पीने की चीज़ें खरीदते थे और वो अच्छा खाना पीना खाकर स्वस्थ होते जा रहे थे. दे लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, अब वो हंसते थे और गली में खेलते थे. वी हैव ब्रेड नाउ, दे क्राइड, और वो कहते थे कि अब हमारे पास खाने के लिए रोटियां हैं. Then the snow came, और तब बर्फ़ आया, यानी तब बर्फ़बारी हुई. And after the snow came the frost, और बर्फ़ के बाद में पाला हुआ, पाला पड़ा, मतलब जैसे सीजन था, ठंडा था, उसके बाद फिर बर्फ़ पड़ने वाली पड़ी और उसके बाद फिर पाला भी पड़ने लगा. The streets looked as if they were made of silver, गलियाँ ऐसे प्रतीत होती थीं जैसे वो सोने चांदी की बनी हुई हैं, मतलब सब चारों तरफ सफ़ेद सफ़ेद हो गया. Everybody went about the in furs, और प्रत्येक व्यक्ति इधर उधर फर में घूमता था. फर का मतलब कि वो फर वाले रोएं वाले कपड़े पहनता था, जैसे कि जाड़े के इलाकों में या जाड़े के दिनों में लोग पहनते हैं. एंड द लिटिल बॉयज वर स्कारलेट कैप्स, और छोटे लड़कों के सिर पर बिल्कुल लाल रंग के कैप थे. एंड स्टेक्ड स्केटेड ऑन द आइस, और वे बर्फ पर स्केटिंग करते थे. द पुअर लिटिल स्वेलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, और छोटा बेचारा अबाबील वह ठंडा और ठंडा होता चला गया. बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, परंतु उसने उस राजकुमार को नहीं छोड़ा. ही लव्ड हिम टू मच, वह उसको बहुत अधिक प्यार करता था. ही पिक्ड अप क्रम्स, उसने अब रोटी के टुकड़े उठाए. आउटसाइड द बेकर्स डोर, जो बेकर था जहाँ पर रोटी बनाने वाला का डबल रोटी या बिस्किट बनाने वाला होता है, दैट इज़ कॉल्ड बेकर, उसने बेकर के दरवाजे के आगे से रोटी के छोटे छोटे टुकड़े उठाए. किसने? अबाबील ने. व्हेन द बेकर वाज नॉट लुकिंग, जबकि बेकर वहाँ नहीं देख रहा था, तो उसने अबाबील ने रोटी के टुकड़े खाए. एंड ट्राइड टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स, और उसने अपने पंखों को फड़फड़ाकर अपना शरीर को गर्म करने का प्रयास किया. But at last he knew, परंतु अंत में वह जानता था that he was going to die, कि वह अब मरने वाला है.
ये बात वो जानता था, वे ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, लेकिन जो राजकुमार हैप्पी प्रिंस था उसका प्यार उसको जाने नहीं देता था, उसका जो दया का जो गुण था उसने उसको रोक दिया था। ही हैड जस्ट एनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंसेस शोल्डर वंस मोर, उसके अंदर केवल इतनी ही शक्ति थी कि वह केवल एक बार और उड़कर राजकुमार के कंधे तक जा सकता था। गुड बाय डियर प्रिंस ही मरमाइड, उसने हल्के से बड़बड़ा कर कहा कि प्रिय राजकुमार गुड बाय, विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या तुम मुझे अपने हाथ को चूमने दोगे। ये बात अबाबिल ने राजकुमार से कही। आई एम ग्लेड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा कि छोटे अबाबिल मुझे खुशी की बात है कि अब तुम इजिप्ट को जा रहे हो, मैं इस बात को सुनकर खुश हूँ। यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हेयर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू, उसने कहा कि तुम यहाँ पर मेरे साथ बहुत लंबे समय तक ठहरे हो और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे होठों को किस करो क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। अब आगे अबाबिल बोलता है उसको, इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, ये इजिप्ट नहीं है जहाँ मैं जा रहा हूँ, मतलब जहाँ मैं जा रहा हूँ वो इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ। सेड द स्वेलो, अबाबिल ने कहा, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, मैं मृत्यु के घर जा रहा हूँ। डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, मृत्यु नींद का भाई है। इज ही नॉट, क्या वह नहीं है। एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स, और उसने राजकुमार के होठों पर किस किया, होठों को चूमा। एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट, और उसके पैरों में गिरकर मर गया। एट दैट मोमेंट ए क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू, और इसी समय स्टैचू के अंदर एक चटकने की कोई आवाज़ हुई, एज इफ मानो समथिंग हैड ब्रोकन, जैसे कुछ अंदर टूट गया हो। द फैक्ट इज दैट द लेडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इन टू, और ये सच था, ये तथ्य यह था कि जो उसके अंदर भारी लेड धातु का हृदय था वह दो टुकड़ों में टूट गया था। इट सर्टेनली वॉज ए ड्रीडफुल्ली हार्ड फ्रॉस्ट, क्योंकि यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा पाला, ड्रीडफुल्ली मतलब बहुत भयानक पाला पड़ता था। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वेयर बिलो इन कंपनी विद द टाउन काउंसलर्स, और उसके बाद जो अगले वाली सुबह थी, बहुत सुबह सुबह उस शहर का मेयर वहाँ स्क्वेयर में, वहाँ एक चौक में नीचे अपने टाउन के काउंसलर्स के साथ घूम रहा था। एज दे पास्ट द कॉलम, और जैसे वो लोग कॉलम के पास से गुजरे, कॉलम क्या, वह स्तंभ जहाँ पर जो वो था, हैप्पी प्रिंस था, वह उस पर खड़ा हुआ था। ही लुक्ड अप एट द स्टैचू, वह स्टैचू पर के ऊपर दिखता था, सॉरी दोबारा देख लें इसको, एज दे पास्ट द कॉलम ही लुक्ड अप एज एट द स्टैचू, जैसे ही वह मेयर उस स्टैचू के पास से, कॉलम के पास से गुजरा, स्तंभ के पास से गुजरा, तो उसने स्टैचू को ऊपर से देखा। डियर मी हाउ सैबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, ही सैड, प्रिय यह स्टैचू, राजकुमार का जो राजकुमार हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू था वह कितना भद्दा दिखता था। हाउ सैबी इंडीड, क्राइड द टाउन काउंसलर्स, जो शहर के काउंसलर्स थे उन्होंने भी कहा कि वास्तव में बहुत ज़्यादा भद्दा है। हु ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट, जो टाउन के काउंसलर थे वो हमेशा जो मेयर की बातों में बात मिला देते थे, मतलब उसकी बात से सहमत हो जाते थे, तो उन लोगों ने भी कहा मेयर के की बात में मिलाते हुए कि हाँ यह राजकुमार बहुत भद्दा दिखता है, और अब वो देखने के लिए ऊपर गए। आगे देखते हैं, द रूबी हैज़ फॉलन आउट ऑफ हिज सॉर्ड, उसकी तलवार से वह रूबी जा चुकी थी। हिज आइज आर गॉन, उसकी आँखें भी जा चुकी थी। एंड ही इज़ गोल्डन नो लॉन्गर, अब वह सुनहरा भी नहीं रह गया था, क्योंकि उसके ऊपर से सोने का जो तो पत्तियाँ थीं वो उतार ली गई थीं, तो अब वह सुनहरा भी नहीं था, सैड द मेयर, मेयर ने कहा। इन फैक्ट, वास्तव में ही इज़ ए लिटिल बेटर देन ए बैगर, वास्तव में अब वह भिखारी से अधिक अच्छा नहीं था। लिटिल बेटर देन ए बैगर,
बेगर से मुश्किल से ही अच्छा होगा, सेड द टाउन काउंसलर। टाउन के काउंसलर ने भी यही बात दोहरा दी कि हाँ, वह अब भिखारियों से ज़्यादा अच्छा नहीं दिखता था। एंड देर इज एक्चुअली ए डेड बर्ड एट हिज फीट, कंटिन्यूड द मेयर। अब मेयर ने अपनी बात को और आगे कहते हुए जारी रखा कि यहाँ पर इसके पैरों में, यानी राजकुमार के जो स्टैचू है उसके पैरों में एक मरा हुआ पक्षी भी है। वी मस्ट रियली इशू ए प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हेयर। और हमें यह घोषणा जारी कर देनी चाहिए कि यहाँ पर पक्षियों का मरने को अनुमति नहीं है, ठीक है। एंड द टाउन क्लर्क मेड ए नोट ऑफ द सजेशंस। उसके बाद क्या हुआ, जो टाउन का क्लर्क था उसने मेयर के सुझावों का एक पत्र बनाया, एक नोट बना दिया, मतलब उस पर सारे सुझाव लिख दिए। सो दे पुल्ड डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस एज ही इज नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, ही इज नो लॉन्गर यूजफुल, सेड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी का जो प्रोफेसर था, आर्ट प्रोफेसर था, उसने कहा कि ये अब बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं है, अब ये किसी यूजफुल नहीं है, यानी कोई काम का भी अब नहीं है, तो इसे ढहा देना चाहिए, मतलब इस स्टैचू को अब तोड़ फोड़ कर गिरा देना चाहिए। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन ए फर्नेस, और उसके बाद उन्होंने स्टैचू को एक भट्टी में पिघला दिया। वाट ए स्ट्रेंज थिंग, सेड द ओवरसियर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री। फाउंड्री का मतलब होता है जहाँ पर लोहे की ढलाई होती है, वो कारखाना। तो जो कारखाने में वर्कमैन था, ओवरसियर, जो वहाँ पर निरीक्षक था, उस निरीक्षक ने कहा कि अरे ये क्या अजीब चीज़ है, दिस ब्रोकन लेड हर्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस, कि ये जो टूटा हुआ लेड का हृदय है, दिल है इसका, यह भट्टी में नहीं पिघलेगा। वी मस्ट थ्रो इट अवे, हमें इसे दूर फेंक देना चाहिए। सो दे थ्रू इट ऑन द डस्ट हीप वेयर द डेड स्वेलो वॉज ऑल्सो लाइंग। इसलिए उन्होंने उस राजकुमार के लेड के हृदय को वहाँ पर फेंक दिया जहाँ पर वह मृत अबाबील पड़ा हुआ था। आगे क्या कुछ लाइन्स हैं देखेंगे, बहुत अच्छी सुंदर लाइन आगे हैं इसमें। ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग्स इन द सिटी, सेड गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स। अब गॉड ने अपने एक देवदूत से कहा कि इस शहर की सबसे अधिक कीमती दो चीज़ें मेरे पास लेकर आओ। ईश्वर ने कहा कि इस शहर की जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण दो चीज़ें मेरे पास लेकर आओ। एंड द एंजल ब्रॉट हिम द लेडन हार्ट एंड द डेड बर्ड। और वह देवदूत ईश्वर के पास उस मरे हुए अबाबील को और राजकुमार के उस टूटे हृदय को लेकर गया। यू हैव राइटली चूजन, सेड गॉड। गॉड ने खुश होकर कहा एंजल से, देवदूत से, कि तुमने बहुत अच्छी चीज़ों का सलेक्शन किया है। फॉर, क्योंकि इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज के मेरे स्वर्ग के बगीचे में, दिस लिटिल बर्ड सेल सिंग फॉर एवर, यह छोटा पक्षी हमेशा के लिए गाएगा। एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड, और मेरे सोने के शहर में, द हैप्पी प्रिंस सेल प्रेज मी, यह हैप्पी प्रिंस हमेशा मेरी प्रशंसा करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, दैट वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। I hope that you enjoyed the story and learned each and everything. Thank you very much. Have a great day.